नमस्ते, मैं निधि। स्वागत है आपका निधि वन में। आज मैं बात करूंगी पौधे की एक बहुत ही सुंदर वैरायटी ड्रेसिना कॉम्पैक्टा की। ड्रेसिना की एक बहुत सुंदर वैरायटी है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है। यह एक अर्नामेंटल पौधा है। यह परमानेंट आपके गार्डन में सालों साल चलने वाला पौधा है। हाँ, ठंड में इसकी ग्रोथ ज़रूर कम पड़ जाती है, लेकिन बसंत आते ही फिर से ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। आज हम इसे बूसी बनाने और इसकी केयर किस तरह की जाए और इसकी पत्ती जो बर्न होने लगती है उससे इसे कैसे बचाया जाए, इस मैटर पे बात करेंगे। यह प्लांट सेमी सेट में रहने वाला ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। यह पौधा मेरा जिस बालकनी में रहता है उसमें एक घंटे की करीब धूप आती है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। इसकी पत्ती ड्राई मौसम में थोड़ी लास्ट से बर्न होने लगती है। इसका मुख्य कारण वही है, ह्यूमिडिटी की कमी। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सेमी शेड में रखना पड़ता है और ह्यूमिड क्लाइमेट यदि मिल जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि इस पौधे को हम ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। इस पौधे को हम ज़रूर ग्रो कर सकते हैं, बस हमें इसे पानी से थोड़ी मिस्टिंग कर देनी होती है जिससे कि इसे थोड़ा ह्यूमिडिटी मिले और साथ ही साथ इस पौधे के पत्ते पर जितने भी डस्ट और धूल रहती है उससे भी इसे निजात मिल जाए। फिर भी ड्राई क्लाइमेट में इस पौधे की पत्ती थोड़ी बहुत बर्न तो ज़रूर हो जाती है। अब पॉट साइज की बात करें तो इसे बहुत बड़े पॉट साइज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 8 से 10 इंच तक का गमला इसके लिए काफ़ी होता है। 9 इंच के पॉट में मेरा ये प्लांट लगा हुआ है। हाँ, जब ये रूट बाउंड हो जाएगा तो इसे मैं रूट कट कर फिर से इसी पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि जब हम बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास जगह की कमी होती है और हमें बहुत सारे प्लांट लगाने का शौक़ होता है। जब हम एक प्लांट को बहुत बड़े गमले दे देंगे तो फिर और सब प्लांट कहाँ लगाएंगे। इसकी रूट शैलो रहती है, इसे 2-3 साल में रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात इसकी प्राइस की करूँगी तो नर्सरी में इसकी प्राइस 50 से 100 रुपये के बीच रहती है। अलग अलग नर्सरी में अलग अलग प्राइस रहते हैं। अक्सर हमें नर्सरी में सिंगल प्लांट मिलते हैं, लेकिन हम इसे खुद से घना बना सकते हैं। ये सिंगल स्टेम में खुद से केवल लंबा होता चला जाता है। खूबसूरती के दृष्टिकोण से ये इसकी समस्या है, लेकिन हम इसे कट कर और उस गमले में फिर से इसे ग्रो कर इसे घना बना सकते हैं। इसे जब सर्दी खत्म होती है और गर्मी की शुरुआत होती है, यानी फरवरी या मार्च के मौसम में, उस समय पर या जब मानसून शुरू होता है तो इसे कट कर प्रोपगेट कर सकते हैं। अच्छा समय यही रहता है क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी का लेवल पौधे के अनुकूल रहता है। इसे जब आप कट करेंगे तो बाकी बचे हुए स्टेम से कम 2 शूट्स हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। इसकी छोटी बड़ी सभी तरह की कटिंग आसानी से चल जाती है। इसे पानी या मिट्टी दोनों में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे गमले में घना बनाने के लिए इसके साथ बहुत सारे प्लांट लगाने से ऐसा हो जाता है। इस गमले में हम सॉन्ग ऑफ इंडिया को कलर के दृष्टिकोण से कंट्रास्ट करने के लिए लगा के रखे हुए हैं। इस प्लांट में कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साल में केवल 2 बार, फरवरी या मार्च में, दूसरी बार अगस्त या सितंबर, मानसून खत्म होने के बाद थोड़ा वर्मी कंपोस्ट जो आप खाद यूज करते हैं उसे भी दे सकते हैं। ये सभी में खुश रहता है। ये था इस पौधे की कंप्लीट केयर। यदि आपको मेरा प्लांट संबंधी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल निधि वन को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं और भी दूसरे पौधे संबंधी जानकारी शेयर करूँगी। इस गमले में सॉन्ग ऑफ इंडिया भी प्लांट लगे हुए हैं। इसकी जानकारी मैं आगे के किसी वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।